तो चलिए दिखाता हूँ मैं कैसे बनाया हूँ। देखिए फोटो एक मिलता है फ्रेंड्स। तो हम लोग जा रहे हैं ये चने का पपड़ा बनाने के लिए। तो पहले इसको तो हम लोग धो ही लिए हैं, पहले इसको मिक्सी में हम लोग पीसे हैं। तो मिक्सी ले के आता हूँ मैं। ये रहा मिक्सी दोस्तों। हरी मिर्च काट के आता हूँ। इसमें दो हरी मिर्च काट कर डाल देते हैं। आधा डाल देते हैं मिक्स करने के लिए और आधा पेस्ट में मिला देंगे अपने। हम लोग जीरा जीरा मिला देते हैं। इसी में हम लोग नमक भी डाल देते हैं। मसाला भी डाल देते हैं। थोड़ा सा पानी लेके आता हूँ दोस्तों। इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है। अब इसको मिक्सी में ग्राइंड करके आता हूँ मैं। हाँ तो गाइस देख सकते हैं इसको हम लोग ब्लेंड कर दिए हैं। इसको पेस्ट वेस्ट में डाल देते हैं। चम्मच की मदद से निकाल लेते हैं। मिलता हूँ रुकिए। हाँ तो दोस्तों पेस्ट को थोड़ा सा मिला लेते हैं अच्छे से। चलिए इस पेस्ट को अब इसको पकाते हैं दोस्तों। एक छोटी सी कटोरी लेते हैं, ये लेते हैं ये।
इसको थोड़ा सा ढक देते हैं दोस्तों, इसे ढके इसी से ढक देते हैं इसीलिए। अरे यार इसको ढकना पड़ेगा दोस्तों, तभी जा करके बनेगा अच्छे से। एक मिनट के लिए इसको ढक देते हैं और इसमें निकाल करके चाप खाएंगे। इसमें अभी एक मिनट हुआ नहीं, 30 सेकंड के लिए इसको कर देते हैं। इसको निकालना पड़ेगा इससे, इस वजह से आटा से निकालना पड़ेगा। चलिए देखते हैं दोस्तों कि ये कितना बना है, ट्राई करते हैं निकालते हैं। कैसे काम बनेगा, पूरा सट गया है दोस्तों, रुकिए मिलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए फिर से ट्राई करते हैं। वो वाला नहीं बन पाया था अच्छे से, इस बार हमें तेल डालना पड़ेगा, बिना तेल के नहीं बनेगा। चलिए इसको बना करके मिलता हूँ। तो दोस्तों अच्छे से नहीं बन पाया है, क्या करें, तो ये वाला ट्राई करते हैं हम लोग। तावा पे बनाएंगे, चलिए मिलते हैं। तो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं तवे बनाने के लिए, देखते हैं कैसा बनता है। तो काफी अच्छे से बनाएंगे, you
दिखाता हूँ मैं कैसे बनाया हूँ। देखिए फोटो एक मिलता बहुत टेस्टी तरीके से, इस बार सटा नहीं है एकदम, वो पेस्ट गीला हो गया था दोस्तों इसीलिए ऐसा हो गया था, और कोई बात नहीं है, इस बार पेस्ट गीला नहीं करेंगे, इस बार बढ़िया बनाएंगे। देख सकते हैं गाइस देसी बॉय मेकिंग चने का चीला बहुत मुलायम है, गर्म भी है, शाम को मस्त बनाएंगे बढ़िया से वीडियो बना करके। चलिए दोस्तों तब तक के लिए मैं इसको एंजॉय करता हूँ, अपने मील को मिलता हूँ आपसे।